बैक टू शिक्षा विशालिनी फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत छोटे छोटे वीडियो के साथ में हमारा साइंस के कॉन्सेप्ट, ताकि छोटे छोटे वीडियो आपको याद रह सके और आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट ना हो। यहाँ पर केवल और केवल फैक्चुअल चीज़ें आपको बताई जाएंगी जो आपको मेंस के आंसर में लिखने में या किसी भी ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप के जो पेपर्स होते हैं उनमें फैक्ट की तरह ये काम आने वाला है। आज मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या ये जो अभी एग्जाम आने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट में, जिसमें 25 नंबर की साइंस आने वाली है, वहाँ पर काम का है या नहीं। तो ऑफ कोर्स वहाँ पे बहुत सारे काम का है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि सेल थ्योरी के बारे में कुछ वैज्ञानिकों के नाम, जिन्होंने बताया था कि सेल की खोज किसने की, नाभिक की खोज किसने की एंड ऑल दैट। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, मैं यह रिवाइज नहीं करूँगी क्योंकि हमारा टाइम नहीं वेस्ट करना है हमको। दूसरी क्लास में हमने किया था जहाँ पर हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, जिसमें स्ट्रक्चर में पहले झिल्ली होती है, झिल्ली के अंदर जो कुछ भी होता है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म में दो चीज़ें होती हैं, अगर प्रोटोप्लाज्म में से नाभिक को हटा दिया जाए तो बचे हुए मटेरियल को साइटोप्लाज्म कहते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म में जो बना होता है वो एक प्रकार का तरल पदार्थ जिसे साइटोसोल कहा जाता है, साइटोसोल या से तथा कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम, लाइसोसोम, इन सबसे मिलकर बना होता है। और एक पोर्शन होता है नाभिक जो बना होता है सामान्यतः झिल्ली से, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमेटिन तंतु से। तो यहाँ तक का हम पढ़ चुके थे, आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं ये मैंने इंग्लिश में भी और एक परफेक्टली जो कह सकते हैं एक चार्ट यहाँ पर आप लोगों को दे दिया है कि सेल में मेम्ब्रेन होती है, प्रोटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस किन किन से मिलकर बना होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आज की क्लास में आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को जिसे हिंदी में कहा जाता है नाभिक। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ऑलरेडी लिख के रखी हैं ताकि हमारा टाइम बच सके, ठीक है। तो नाभिक के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ कि नाभिक क्या चीज़ है। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले ये होती है हमारी कोशिका, कोशिका में ये होती है हमारी झिल्ली, और झिल्ली के अंदर जो कुछ भी होता है उसे कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे होता है नाभिक, जिसकी बात आज हम करने वाले हैं। तो हम सिर्फ इतना पोर्शन, ये जो बनाया हुआ है, इतने पोर्शन की बात करेंगे, इसके बाहर वाले पोर्शन की बात हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो जो नाभिक होता है उसे हेड क्वार्टर ऑफ द सेल कहा जाता है। जैसे आपसे कई बार पूछा जाता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है, हेड क्वार्टर ऑफ द सेल क्या होता है, ब्रेन ऑफ द सेल क्या होता है, तो ब्रेन ऑफ द सेल भी इसे कहा जाता है, इसे ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी कि आनुवंशिक जो सूचनाएँ होती हैं वो स्टोर रहती हैं, ठीक है। डिस्कवर बाय, ये नाभिक की खोज किसने की, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे विद अ रेड हार्ट कमेंट कीजिएगा, साथ में ये बताइएगा कि नाभिक की खोज किसने की, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, राइट, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये किसने खोज की है, ये आप मुझे बताएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो नाभिक होता है, नाभिक को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो कितने भागों में कर सकते हैं, तो मोटा मोटी हम इसको चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, जो भी नाभिक होता है उसके ऊपर झिल्ली होती है, तो झिल्ली की एक खास बात होती है कि सबसे पहले तो इसमें दोहरी झिल्ली होती है, यानी डबल छिलके होते हैं, डबल झिल्लियाँ होती हैं, और दोहरी झिल्ली होने के साथ साथ इसमें ना ये पोरस होती है, यानी कि इसमें छेद होते हैं। ये छेद देखो आपको यहाँ डिज़ाइन में दिख रहे होंगे, इस तरह के छेद होते हैं। ये छेद किस लिए होते हैं, ताकि इसमें से राइबोसोम्स बाहर आ सकें, ठीक है। राइबोसोम्स बाहर आते हैं इसमें से, तो आप याद रख सकते हैं कि राइबोसोम बाहर आते हैं। आप नोटबुक पेन लेके भी बैठ सकते हैं, और जो जो मैं की पॉइंट बोलती जाती हूँ वो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है, हमारे छेद होते हैं जिसमें से राइबोसोम्स जनरली क्या करते हैं, बाहर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, इसके अंदर भी जैसे हमने देखा था कि कोशिका के अंदर एक फ्लूड यानी एक तरल पदार्थ भरा होता है, वैसे इस नाभिक के अंदर भी एक तरल पदार्थ भरा होता है। यहाँ पे जैसे नाभिक है ना, इसके अंदर ये तरल पदार्थ भरा होता है, इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस मतलब क्या होता है, नाभिक का भी नाभिक, मतलब नाभिक के अंदर भी एक नाभिक होता है, उसे न्यूक्लियोलस, जैसे ये देख रहे हो आप गुठली के जैसा, यहाँ पे एक ये नाभिक के अंदर भी एक नाभिक होता है, उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस की जो खोज है ना, वो फोंटाना ने की थी। वो किसने की थी, फोंटाना ने, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, साथ में ये आप याद रखिएगा कि जितने भी हमारे DNA और RNA जो होते हैं,
आरएनए, आरएनए की फुल फॉर्म याद है क्या आपको? जरा मुझे कमेंट कीजिएगा, नहीं तो मैं अगले वीडियो में बताती हूँ आपको। राइबो से है स्टार्ट होगा, आगे क्या बताइएगा, ठीक है? तो जो हमारे आरएनए होते हैं वो आरएनए भी इसके अंदर मिलते हैं, किसके अंदर? न्यूक्लियोलस के अंदर मिलते हैं हमको आरएनए। तो दो फैक्ट इसके आपको याद रखने हैं, ठीक है? और जो होता है ना कि यहाँ पर राइबोसोम्स जो यहाँ से बाहर निकलते हैं, मैंने कहा था ना ये जो झिल्ली होती है उसमें छेद क्यों होते हैं? ताकि राइबोसोम बाहर निकल सकें। तो आखिरकार वो राइबोसोम कहीं ना कहीं बन भी तो रहे होंगे ना, तो राइबोसोम का जन्म भी यही होता है, ठीक है? राइबोसोम्स का जन्म भी यही हो रहा होता है। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, किसके बारे में? न्यूक्लियोलस। और आप ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ना तो साइंस भी आपको ऐसे लगेगा जैसे आप जीके वीके याद कर लेते हो, ठीक है? क्रोमेटिन तंतु क्या होता है आप ये समझ लो, कुछ धागे नुमा संरचना होती है, बहुत सारे धागे वागे टाइप पड़े रहते हैं। मैं आपको इस फोटो में दिखा सकती हूँ, ये देखिए, अगर हम इसे क्लिक करते हैं, देखिए ये वाला, तो ये जो धागे नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है ना, ये धागे नुमा संरचना ही क्रोमेटिन तंतु होते हैं। अब ये क्रोमेटिन तंतु जो होते हैं ना, ये दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, एक तो डीएनए से बना होता है और एक हिस्टोन से मिलकर बनता है, ठीक है? हिस्टोन से मिलकर बनना, ये वाला जो प्रश्न है ना, डीएनए प्लस हिस्टोन, ये आपके आरएएस में पूछा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इसी तरह के फैक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, कोई बहुत लंबा चौड़ा या बहुत डिटेल आपसे कुछ नहीं पूछा जा रहा, सिंपल सी बात है कि न्यूक्लियस के अंदर चार चीजें होती हैं, चारों का अपना अपना काम होता है। तो क्रोमेटिन तंतु यानी जो धागे नुमा संरचना होती है वो डीएनए और हिस्टोन से बनी होती है। अच्छा, डीएनए के बारे में एक और चीज बता देती हूँ कि डीएनए, जैसे मान लो ये डीएनए, आपने डीएनए का इतना तो आपको याद होगा कि इस तरीके से डबल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। अब मान लो डीएनए का मैं इतना सा पोर्शन काट देती हूँ, है ना, और उस इंफॉर्मेशन पे, ये जो पोर्शन मैंने काटा है उस पर कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि मेरी आंखों का कलर क्या होगा, यानी ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, मेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है, ठीक है? वो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो ये जो छोटा सा पोर्शन है ना किसका, डीएनए का, यही कहलाता है जीन। तो बेसिकली मैं यूं कहूं कि क्रोमेटिन तंतु जो होते हैं वो डीएनए से बने होते हैं, और डीएनए के अंदर हमारी कोई इन्फॉर्मेशन रहती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और उसका पर्टिकुलर एक सेक्शन रहता है, उसको जीन कहा जाता है। डीएनए का एक छोटा सा भाग, उसे जीन कहते हैं, आप इतना याद रख लो, ठीक है? ओके, तो यहाँ तक हमारा कवर होता है पूरा का पूरा न्यूक्लियस। तो अब ये दो हैश स्टार क्यों लगे हुए हैं, ये इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि दो चीजें आपको, दो फैक्ट आपको यहाँ याद रखना है कि जो ह्यूमन बॉडी की आरबीसी होती है, जो ह्यूमन बॉडी की आरबीसी होती है, उनके अंदर नाभिक नहीं पाया जाता, उनके अंदर नाभिक नहीं पाया जाता, मतलब कोशिका तो होती है पर कोशिका के अंदर नाभिक गायब रहता है। एक दूसरी बात और है, ये तो सबको पता है लेकिन ये बात शायद कम लोगों को पता है कि जो प्लांट्स होते हैं, पादप होते हैं, उन पादप के अंदर सीव ट्यूब्स, सीव कोशिकाएँ होती हैं, इन्हें इंग्लिश में लिखा जाता है SIEVE, सीव ट्यूब्स होती हैं, है ना, ट्यूब, ये कोशिकाएं होती हैं, इनके अंदर भी नाभिक नहीं पाया जाता। तो आरबीसी के अंदर और सीव ट्यूब, इन दोनों के अंदर नाभिक नहीं पाया जाता। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और जितने ज़्यादा रेड हार्ट होंगे उतनी ज़्यादा वीडियोस मैं आप लोगों को लेके आने वाली हूँ, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।